गाइस यार आज हम लोग GT5 में देखने वाले हैं कैसे आयरन मैन अपनी सारी हड्डियां तोड़ के अपना नैनो सूट वापस लेगा। तो यार एडवेंचर को स्टार्ट करते हैं। बेस्ट भाई टोनी स्टार्क क्या मेज बैंक के ऊपर क्यों आया है और ये कोने पे क्यों खड़ा हुआ है भाई मेरे को बताएगा। अबे भाई बॉब यार टोनी स्टार्क के साथ ना बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है यार। ऐसा क्या हो गया भाई बॉब यार टोनी स्टार्क ने अपनी सारी हड्डियां तोड़वाने आया यहाँ पे। ये क्या हो गया टोनी स्टार्क को, क्या टोनी स्टार्क रिटायरमेंट ले रहा है अवेंजर्स से? अगर ले रहा है तो मैं बन जाता हूँ अगला अवेंजर। अबे भाई ऐसी बात नहीं है, और अगर रिटायरमेंट भी ले रहा होगा तो तेरे को क्यों लेगा वो अपनी टीम में? क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा अवेंजर बन सकता हूँ। अबे वो मेरे को पता है ठीक है ना भाई बॉब यार डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी स्टार्क के ऊपर भाई एक बहुत ही खतरनाक जादू कर दिया है जिसकी वजह से टोनी स्टार्क का जो नैनो सूट था सबसे ज्यादा पावरफुल सूट वो अब डीएक्टिवेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे भाई? डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी स्टार्क को ये कहा है कि जब तक टोनी स्टार्क अपनी सारी हड्डियां नहीं तोड़ लेता सक्सेसफुली तब तक वो सूट इसके पास वापस नहीं आएगा। यार ये डॉक्टर स्ट्रेंज की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। कल हल्का अपग्रेड होके आया था तो मैंने उससे पूछा था भाई ये कैसे अपग्रेड होते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज ये सुनते ही मेरे ऊपर भी जादू कर दिया, मैं उसकी हड्डी बस लीक कर दूंगा। भाई बॉब यार टोनी स्टार्क तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है यार। हाँ पर ये तो बहुत ही इजी काम है टोनी स्टार्क की हड्डियां तोड़ना। अब भाई कैसे? क्योंकि टोनी स्टार्क भी तो एक इंसान है ना, और इंसान के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। अबे भाई बॉब यार तू बात नहीं समझा, टोनी स्टार्क इंसान नहीं है क्या? अबे इंसान तो है वो, पर टोनी स्टार्क ने अपनी हड्डियों के अंदर एक एलियन टेक्नोलॉजी का सीरम इंजेक्ट करा हुआ है जिससे इसकी हड्डियां 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो गई हैं, यानी कि हल्क से भी ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। तभी तो ये भाई अभी तक जिंदा पड़ा हुआ है, इतनी बार ऊंचाई से गिर चुका है भाई। तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। हाँ भाई बॉब यार अब क्या ही कह सकते हैं। तो भाई देखते यार टोनी स्टार्क यहाँ से गिर के कितनी हड्डियां तोड़ेगा। मेरे को लगता है टोनी स्टार्क यहाँ से गिर के 100 हड्डियां तो तोड़ ही लेगा, मेरे को पूरा विश्वास है। हाँ भाई बॉब यार देखते हैं। यार मैं यहाँ से नीचे कूदूंगा, मेरे को बच्चा है यार। बेस्ट फायर कर रहा है। अरे भाई साहब यार 85 हड्डियां तोड़ी है यार इसने तो अभी तक। हाँ ये क्या हो गया, ये तो इतनी आधी हड्डियां तोड़ पाया। हाँ भाई बॉब यार 50 हड्डियां ही तोड़ी है बस इसने अभी तक। खैर कोई बात नहीं, देखते भाई आयरन मैन कहाँ भाग रहा है। भाई अबे कहाँ भाग रहा है, अबे टकराएगा क्या आपको, अबे कहाँ से टकराएगा? अबे भाई कुछ भी नहीं हुआ भाई, एक भी हड्डी नहीं टूटी। पर खून तो निकला था भाई, खून की बात अलग है यार, पर हड्डी तो नहीं टूटी ना अभी तक इसकी। हाँ ये बात भी है। तुम लोग बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आयरन मैन अपनी हड्डियां तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा। अबे भाई साहब फिर गिर गया। अबे भाई एक ही हड्डी टूटी भाई, यानी कि 51 हड्डी टूट चुकी है यार इसकी अभी तक। हाँ अरे अरे ये टोनी स्टार्क कैसे भाग रहा है, कहाँ जा रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं। अबे भाई बॉब यार मेरे को खुद नहीं पता है टोनी स्टार्क क्या सोच रहा है, कहाँ जाने की सोच रहा है। यार हल्क ने मेरे को बताया था कि वो आसमान से गिरा था तो उसकी ज्यादा हड्डियां टूटी थी, तो मुझे भी जाना चाहिए यार। भाई मेरे को लग रहा है ये हल्क की टेक्निक आजमाना चाहता है, जैसे कि हल्क भाई आसमान से नीचे गिरा था और काफी हड्डियां तोड़ ली थी इसने, तो मेरे को लगता है आयरन मैन भी अपनी वैसी हड्डियां तोड़ने वाला है। हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है। हेलीकॉप्टर खड़े हैं, मैं वहीं पे जाके हेलीकॉप्टर में बैठ जाऊंगी यार। भाई बॉब यार ये तो बिल्कुल भाई हल्क की तरह कर रहा है। हाँ कि अभी क्या जा सकता है, क्योंकि हल्क की हड्डियों से ज्यादा ताकतवर टोनी स्टार्क की हड्डियां हैं। हाँ भाई मेरे को लगता है भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत लगने वाली है आज टोनी स्टार्क को हड्डियां तोड़ने में। हाँ यार मैं इसमें बैठ जाऊंगा, जल्दी खोल दरवाजा, अभी ये हेलीकॉप्टर पागल हो गया क्या, मेरी खोपड़ी पे चढ़ा हुआ है, भाग जाए यहाँ से। अरे यार मेरे को और गिरा दिया इसने, जल्दी उड़ना पड़ेगा यार मेरे को। यार भाई बॉब यार ये तो लेके भाग गया यार हेलीकॉप्टर। हाँ अब देखते हैं कहाँ जा रहा है टोनी स्टार्क। भाई टोनी स्टार्क जाएगा कहाँ भाई, आसमान में ही जाएगा, वहाँ से नीचे कूद जाएगा। हाँ इस बार तो मेरे को लग रहा है टोनी स्टार्क अपनी अच्छी खासी हड्डियाँ तोड़ लेगा। भाई टोनी स्टार्क कहाँ जा रहा है यार, मेरे को खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। भाई बॉब यार ये तो आसमान में पहुंच गया भाई, बादलों के ऊपर भी। हाँ टोनी स्टार्क तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से उड़ा रहा है हेलीकॉप्टर को। यार मुझे नीचे कूद जाना चाहिए, ये बहुत ही ऊंचाई है, ये खुला दरवाजा, मेरे को बच्चा है यार, लगता है इस बार तो मेरी सारी हड्डियाँ टूट जाएगी। बेस्ट फायर तो बहुत ही तेज स्पीड में नीचे कर रहा है। हाँ भाई बॉब यार, अरे भाई साहब टोनी स्टार्क भाई कैसे नीचे गिर रहा है यार। हाँ ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से हीरो स्टाइल में नीचे कर रहा है। यार मुझे बचा लो, कोई तो है। भाई बॉब यार मेरे को तो लग रहा है भाई इस बार तो ये अपनी सारी हड्डियां तोड़ ही लेगा। हाँ गाइस टोनी स्टार्क जब तक नीचे गिर रहा है तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और हाँ यार तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो करो यार। अरे भाई साहब टोनी स्टार्क अबे संभल के, ओ भाई यार इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारा तो प्लान ही बेकार चले गया। भाई बॉब यार ये तो सीधा अपने पैरों पे खड़ा हो गया। यार टोनी स्टार्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। अरे भाई साहब भाई एक पंच में बुढ़िया टपका दी यार इसने। हाँ यार मुझे और कहीं जाना पड़ेगा अपनी हड्डियां तोड़वाने, कहाँ जाऊँ यार मैं। भाई बॉब यार टोनी स्टार्क यार बहुत ही ज्यादा ताकतवर है यार, मेरे को लगा नहीं था यार हल्क से भी ज्यादा ताकतवर टोनी स्टार्क है। हाँ तभी तो टोनी स्टार्क लीडर है। हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, अब तो मुझे टोनी स्टार्क से बच के रहना पड़ेगा, पता चला इसने थप्पड़ मार
छोड़ दिया और मैं कोमा में चले गया। हाँ अभी मैं तुम्हें इससे दूर रखता हूँ, फिर मुझे खाना कौन देगा। हाँ भाई बात तो सही कह रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब चल के देखते हैं कहाँ पे जाना पड़ेगा हम लोगों को। यार मेरे पास एक प्लान है भाई। बॉब यार इसके पास अब कौन सा प्लान आ गया यार? हाँ मेरे को नहीं पता भाई, टोनी स्टार्क तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और स्मार्ट भी है। हाँ भाई बॉब यार इसने तो भाई जेट के अंदर बैठ गया, भाई साहब उड़ जा रहा है ये तो। हाँ हाँ ये तो उड़ गया हवा में। यार मैं एक पहाड़ से टकरा जाऊंगा जिससे ये जेट फट जाएगा और मुझे डैमेज हो गई है। भाई बॉब यार क्या ही बड़ा भाई मास्टर प्लान बनाया यार इसने। यार मैं जाऊंगा जाके ये चले ये। अरे भाई जब टकराने वाला है यार ये तो। ओ भाई साहब गाइस यार 140 हड्डियां टूट गई है यार। यार अब बाहर निकलते हैं। अबे भाई साहब 150 हड्डियां टूट गई इसकी तो। अरे वाह मैं बहुत ही ज्यादा नजदीक हूँ अपनी सारी हड्डियां तोड़वाने की यार। भाई बॉब यार क्या ही खतरनाक प्लान था यार इसका। अबे भाई साहब ये क्या ही नीचे गिरे जा रहा है। टोनी स्टार्क तो बहुत ही ज्यादा समझदार निकला। हाँ भाई बॉब यार मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था भाई प्लेन में बैठ कर प्लेन क्रैश करके अपनी हड्डियां तोड़वाने का। तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकते। ऑलराइट बॉब यार टोनी स्टार्क अब भाई माउंट चिलियार्ड पे आ गया। मेरे को लग रहा है माउंट चिलियार्ड से नीचे कूदने की प्लानिंग कर रहा है। हाँ मेरे को भी ऐसे लगता है। अरे ये तो खाई के पास जा रहा है। हाँ भाई बॉब यार ये लगता है भाई माउंट चिलियार्ड से नीचे गिर के अपनी हड्डियां तोड़वाना चाहता है बाकी की सारी भाई। पर मेरे को नहीं लगता यार ये अपनी सारी हड्डियां तोड़वा पाएगा क्योंकि भाई आसमान से नीचे गिरा था फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ था। खैर कोई बात नहीं देखते हैं। यार अब मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊंगा और अपनी हड्डियां तोड़वा लूंगा। अरे ये क्या हो गया मेरे को तो कुछ भी नहीं हो रहा। अरे वाह अरे भाई साहब येट माउंट चिलियार्ड से तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अभी जल्दी से हल्क को बुलाना पड़ेगा, वही मेरी हड्डियां तोड़ेगा यार क्योंकि उससे ज्यादा ताकतवर अभी हमारी एवेंजर्स में कोई भी नहीं है क्योंकि वो कल अपग्रेड हो गया था यार। भाई बॉब यार टोनी स्टार्क तो हल्क से पिटने जा रहा है यार। हाँ अब तो मेरे को पक्का पता है टोनी स्टार्क अब हल्क से पिट के अपनी सारी हड्डियां तोड़वा ही लेगा। यार अभी बुलाता हूँ हल्क। हल्क सबको तोड़ेगा। टोनी स्टार्क क्यों बुलाया है हल्क को तुमने? यार मेरे से गलती हो गई मुझे छोड़ दो। अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम्हें अपनी हड्डियाँ तोड़वानी थी ना, ये लो। यार अरे यार बहुत ही दर्द हो रहा है यार। ये लो। अरे भाई साहब हल्क भाई हल्क तो तोड़ ही जा रहा है भाई हड्डियाँ। ओ भाई साहब काउंटिंग रुकी नहीं रही यार। भाई मेरे को लग रहा है हल्क इसकी हड्डी सारी तोड़ देगा। हल्क के साथ चलो, हल्क तुम्हें बाहर ले जाएगा यहाँ से, हल्क तुम्हें छोड़ेगा नहीं। टोनी स्टार्क तुमने हल्क को बहुत परेशान करा है, कहाँ चले गए, गायब हो गए, चीटर कहीं के, हल्क जा रहा है यहाँ से। यार अच्छा है हल्क चले गया, उसने मेरी पूरी 180 हड्डियां तोड़ दी यार। भाई बॉब यार क्या ही खतरनाक तरीके से मारा यार हल्क ने इसको। हाँ मैं तो डर गया, अब मैं हल्क के सामने कभी भी नहीं आऊंगा, पता चला उसने मेरे को और धुंध दिया। हाँ भाई बॉब यार यार हल्क ने मेरे को बताया था यहाँ पे एक रैंप है जो चैलेंज करता है लोगों को कि अगर वो रैंप से नीचे गिरे और अगर बच गए तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पर मुझे को पैसों से क्या, मुझे तो अपनी हड्डियां तोड़वानी है यार। अभी जल्दी जाता हूँ उस रैंप के पास। भाई बॉब यार ये तो उसी रैंप की बात कर रहा है भाई, खूनी रैंप की। हाँ गाइस तुम लोग बताओ कि टोनी स्टार्क बच पाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना। हाँ भाई बॉब यार अगर तुम लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार हल्क मुझे इसी टाइम के बारे में बता रहा था। अरे वाह इस टाइम से नीचे गिर के तो मेरी सारी हड्डियां टूट ही जाएंगी। यार मुझे अपनी सारी हड्डियां इकट्ठी तोड़नी पड़ेंगी क्योंकि मेरी सारी हड्डियां रीजनरेट हो गई है यार। अरे गाइस यार टोनी स्टार्क तो भाई कितना ही ज्यादा प्रो खिलाड़ी निकला यार, इसकी तो जो हड्डियां टूटती है वो रीजनरेट हो जाती है। ये तो मेरे को पता ही नहीं था। हाँ भाई बॉब यार मतलब अभी तक हमने जितनी मेहनत करी वो सारी वेस्ट गई है, अब हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी और अगर इसी रैंप से हमारी सारी हड्डी टूट गई तो हमें एंड में टोनी स्टार्क का नैनो सूट मिल जाएगा। और यहाँ से जल्दी से हम लोग कूदते हैं। तो भाई साहब रेडी है ना? हाँ 3-2-1 गो। यार ये अरे भाई साहब, ओ भाई क्या ही खतरनाक हड्डियां टूटी हैं। अरे भाई साहब नीचे गिरते ही जा रहा है यार, हड्डियों को टूटने का काउंट भाई चालू। ओ भाई साहब सर फूट गया, अबे टांग भी टूट गया। ओ भाई साहब क्या ही गुलाटी मारी है। अरे भाई साहब जल्दी कूदना पड़ेगा, पता चला फिर से रीजनरेट हो गई इसकी हड्डियां। ओ भाई फिर से गिर गया भाई नीचे। ओ अरे 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 भाई साहब क्या ही खतरनाक तरीके से नीचे गिरा यार ये। हाँ मेरे को तो डर लग रहा है टोनी स्टार्क कहीं मर ना जाए। भाई बॉब यार कैसे मर सकता है यार, इसकी कितनी ज्यादा ताकतवर हड्डी है भाई अभी तक। भाई थोड़ी हड्डियां टूटी हैं। अरे भाई काउंटडाउन पूरा चालू है भाई हड्डी टूटने का। अरे भाई क्या ही खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा है। ओ भाई साहब क्या ही चौका मार दिया भाई ब्लेड ने इसको। अरे भाई साहब क्या ही खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा है। अरे भाई साहब यार हाँ मेरे को लगता है इस बार तो तोड़ ही लेगा अपनी हड्डियां। हाँ भाई बॉब यार बहुत ही ज्यादा नजदीक है भाई अपनी हड्डियां तोड़वाने। ओ भाई साहब सर फूट गया।
अबे भाई टांग में, अबे हाथ, भाई हाथ फ्रैक्चर हो गया। ओ भाई क्या ही खतरनाक तरीके से गिर रहा है नीचे। ओ भाई भाई बॉब यार, अब तो मेरे को लग रहा है नीचे गिरने के बाद इसकी हड्डियां टूटे। भाई बॉब यार मेरे को लग रहा है इस बार तो अपनी हड्डियां तोड़ी लेगा। अरे रे रे, ओ भाई साहब काउंट डाउन एकदम ही, भाई थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो यार बचा लो भी देखो। ओ भाई साहब बॉब यार पूरी 206 हड्डियां टूट चुकी है भाई टोनी स्टार्क की। यार ये क्या हो रहा है मेरे को? भाई बॉब यार डॉक्टर स्ट्रेंज का भाई जादू काम कर रहा है यार। हाँ अब तो ये अपग्रेड होने वाला होगा भाई। अपग्रेड क्या अपनी भाई नैनो सूट वापिस आ रहा होगा यार इसका। हाँ ऑल राइट गाइस, तुम लोग देख सकते हो यार आयरन मैन का सूट भाई वापिस आ चुका है। और ये भाई साहब टोनी स्टार्क तो अपना सूट बुड़ाना ही भूल गया था यार। हाँ क्या ही खतरनाक तरीके से उड़ रहा है। हाँ भाई बॉब यार, ओ भाई यार अब आएगा मजा। ये ले कार। अरे भाई साहब भाई कार को पिघलाया जा रहा है ये तो। यार कोई नहीं बचेगा मेरे से, मैंने बहुत मेहनत करके ये सूट वापिस लाया है। अरे भाई साहब कार का क्या ही हाल कर दिया यार। यार लड़की बाहर निकल, तेरी ऐसी की तैसी। अरे भाई साहब सूट लेके उड़ गया भाई आयरन मैन। हाँ अब आयरन मैन भी बहुत ही खतरनाक हो गया है। हाँ भाई बॉब यार, यार डॉक्टर स्ट्रेंज की ऐसी की तैसी। डॉक्टर स्ट्रेंज अगर तुम मेरे को सुन रहे हो तो ये पूरा आसमान से सारे बादल हटा दो, वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा यार। अरे भाई साहब बॉब यार टोनी स्टार्क की बात तो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज ने सुन ली यार। मेरे को डॉक्टर स्ट्रेंज इस डायमेंशन से कहीं और डायमेंशन में भाग गया यार। कहीं पता चला भाई टोनी स्टार्क ने डॉक्टर स्ट्रेंज की हड्डी पसली एक कर दी यार। हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात हो जाएगी। वो यार ये ले ट्रक, ये ले, भाग जाओ यहाँ से, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये लो उड़ जाओ यहाँ से। भाई बॉब यार तू देख सकता है यार आयरन मैन का जो नैनो सूट था वो उसके पास वापस आ गया है। हाँ सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस नहीं यार। अगर तुम लोगों को आज की वीडियो पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। तो मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।